ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज। ये दूसरा T20 है, पहले में ऑस्ट्रेलिया हाफते मतलब किसी तरह जीत के लाइन को क्रॉस कर पाई। मतलब कहते हैं ना कि हार के मुंह से जीत छीन के लेके आना, बस उसी तरह से कुछ ऑस्ट्रेलिया ने देखिए किया है। तो वेस्ट इंडीज ने पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया को अच्छे तरीके से, और इस मैच में भी वैसा ही कुछ अनुमान लगा कि ब्लॉकबस्टर मैच होगा, एकदम क्लोज मैच, क्लोज कंटेस्टेड मैच। और इस मैच में आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन आपके कैप्टन वाइस कैप्टन पिक बन सकते हैं, क्या आपकी ड्रीम 11 की टीम दिख सकती है, चाहे वो स्मॉल लीग के लिए हो, चाहे मेगा कॉन्टेस्ट के लिए, ग्रैंड लीग के लिए, हेड टू हेड के लिए, जिसके लिए भी आपको टीम चाहिए, सबकी सबकी स्ट्रैटेजी मिलेगी यहाँ पे। साथ में पिच रिपोर्ट, कंडीशन, जो भी चाहिए A to Z इस मैच के लिए, टीम बनाने के लिए, आपको सब डिटेल इसी पे मिलेगी, इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज 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 इस वीडियो को पूरा देखिए, और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और शेयर कमेंट तो कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम बस 12,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने ही वाले, 11,500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हमारे, और कुछ ही सब्सक्राइबर्स दूर है, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, हम फटाफट 12,000 की फैमिली बनना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा सा कर दीजिएगा तो फटाफट हो जाएगा। बात करते हैं इस मैच की, ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज, सेकंड T20 7 अक्टूबर 1:40 पे ये मैच होगा। अब 1:40 मैच शुरू होने का टाइम है, आपके लिए क्रूशियल टाइम कितने बजे, 1:10 पे, जब टॉस होगा, और टॉस के बाद स्क्वाड में शायद कुछ अपडेट्स, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वैसे शायद आएंगे नहीं, अगर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कहां से मिलेगी नोटिफिकेशन, हमारे ऐप के थ्रू। हमारा ऐप कहां पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्लीज डू चेक दैट आउट। अब बात करते हैं यहाँ पे, इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन तो आपको मिलेंगे ही, जो आपको पॉइंट्स चाहिए इस मैच की टीम बनाने के लिए, सारा का सारा डिटेल यहाँ मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा और डिटेल्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पे तो हमने एक टीम दिखाई है, स्मॉल लीग हेड टू हेड की एक टीम, ग्रैंड लीग की एक टीम। अगर आपको मल्टीपल टीम चाहिए, मान लीजिए 50-60 टीम, या फिर ड्रीम 11 के लिए 10 टीमें, हाला प्ले के लिए 10 टीमें, गेमजी के लिए 10 टीमें, और फिर माई लेवल सर्कल के लिए 10 टीमें, ऐसे कुछ अलग अलग टीमें चाहिए आपको, तो वो भी डिटेल में मिल जाएगा आपको। तो आपको चेकआउट क्या करना है, www.fantasygully.com, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के पहले नंबर पे है, सब कुछ चेक कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ, आपके टॉप फैंटेसी पिक्स कौन से हो सकते हैं, यानी कि इस मैच के लिए आपके ऐसे 4 खिलाड़ी जो अमूमन आप मल्टीपल टीम्स अगर बना रहे हैं तो सारी टीम्स में आप ट्राई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू वेट, कैमरन ग्रीन, वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रैंडन किंग और काइल मेयर्स, ये 4 खिलाड़ी आपके अमूमन हर स्क्वाड में रह सकते हैं, आपको कम से कम एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स दिलाने का मादा तो रखते ही, यहाँ पर नुकसान कम से कम हो जाएगा। चलिए ये तो हो गए टॉप फैंटेसी पिक्स, लेकिन टॉप फैंटेसी पिक्स से तो काम नहीं चलेगा, आपको फैंटेसी 11 चाहिए होगी, 11 की टीम कैसी दिख सकती है, आपको पिच रिपोर्ट, कंडीशंस, कैप्टन वाइस कैप्टन सब चाहिए ना, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, हम अब बात करेंगे इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राणा कुमार केडीए, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पे हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के दूसरे T20I मुकाबले की। अब इस मैच में आपको और क्या देखने को मिलेगा, आपके पिच एंड कंडीशंस क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। पिच एंड कंडीशंस आपके यहाँ पे, ये वेन्यू है गैबा का ब्रिस्बेन, हालांकि गैबा सुनते ही हमको कुछ और याद आता है, इंडियंस को खास तौर से वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच, बट ये गैबा का ब्रिस्बेन का मैदान है, यहाँ पे आपको बैटिंग पिच मिलेगी, प्रॉपर बैटिंग पिच मिलेगी यहाँ पे, फेस फास्ट बॉलर्स को फिर भी थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, वरना ये पूरी बैटिंग पिच है, और यहाँ पे बैटिंग सेकंड प्रेफर्ड ऑप्शन है। आप देखेंगे पिछले जितने मैचेस हुए थे बिग बैश वगैरह के, उसमें जो है अमूमन जो है बैटिंग सेकंड टीम बड़ा स्कोर, अगर 170-180 का स्कोर भी है तो भी वो भी चेस कर लेती थी, तो उस केस में आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, बैटिंग सेकंड टीम जो भी कर रही है उसके आप 6 खिलाड़ी को चूज कर सकते हैं, वो आप थॉट प्रोसेस, वो स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। बाकी बैटिंग रिकॉर्ड 164 का दिखाई तो दे रहा है, ये एवरेज है। अगर आपको प्रैक्टिकली एक स्कोर चाहिए दिमाग में, तो आप 180 से 190 के बीच में लेके चले। और वेदर कंडीशंस 20°C, 68% ह्यूमिडिटी है, इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला मैच पे, मैच पूरा कंप्लीट मैच होने के चांसेस है यहाँ पे। और ये आपके कंडीशंस और पिच रिपोर्ट तो हो गए। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पेसर्स को फिर भी थोड़ा मदद मिलेगा, स्पिनर्स के लिए उतना कुछ खास मदद नहीं है इस पिच पे, तो स्पिनर्स को आप एज ए प्रॉपर बॉलर अवॉइड कर सकते हैं इस मैच के लिए खासतौर से। बात करते हैं हेड टू हेड की कैसी है, हेड टू हेड इन दोनों टीमों के बीच में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में 8 और 10 के आसपास 3 दो बहुत क्लोज कंटेस्टेड रहती है। हाँ, मतलब कि इन दोनों के बीच में तो काफी बार वेस्ट इंडीज का ही पलड़ा भारी रहता है नॉर्मली, तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हैं वेस्ट इंडीज का
पलरा इस मैच में भी मतलब 50-50 कम से कम रहेगा ही। आप पिछले मैच में भी बहुत परेशान किया था, ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, तो उस केस में आप वेस्ट इंडीज की तरफ भी पलरा रख सकते हैं। मे बी आप चाहें तो 6-5 का रेशियो वेस्ट इंडीज के पक्ष में रख सकते हैं। बाकी अब इस टीम इसमें इस मैच में और क्या देखने को मिलेगा आपको वो सब हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोबेबल 11 कैसी होगी। हालांकि कोई खास चेंज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोबेबल 11 लास्ट मैच में खेली थी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच में भी खेलेगी। एक मैच में उतना एक्सपेरिमेंट क्या ही करना है। इसके बाद इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तीन मैच की सीरीज है, तीन मैच में वो लोग पहले मैच में अपने सारे फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दे रहे हैं। जॉस हेजलवुड हो गया, मिशेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, सबको रेस्ट दे रहे हैं, एडम जंपा को रेस्ट दे रहे हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट करना उनको नेक्स्ट सीरीज में कर रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सीरीज में। यहां पे कोई एक्सपेरिमेंट ये कर नहीं रहे, यहां पे ये पूरी स्क्वाड खिला रहे हैं अपनी। डेविड वॉर्नर, कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श, एरन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम जंपा, जॉस हेजलवुड, मेरे ख्याल से यही 11 खेलने वाले। अगर कुछ चेंज हुआ, एक आध मान लीजिए कुछ चेंज हुआ, तो आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। हम कहां से भेजेंगे? ऐप से। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी ये आपके प्लेइंग स्टाइल है इनकी। एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स पिछले 10 मैचेस की है वो T20 फॉर्मेट की। बाकी लास्ट 5 रन और विकेट्स दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर देखने में असुविधा हो रही है तो आपको इसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी स्ट्रैटेजी खुद फॉर्म कर लीजिएगा। बाकी वेस्ट इंडीज की 11 भी वही सेम दिखने वाली है, आपको कोई चेंजेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। इनके लिए भी ये भी सेम स्कोर था जा सकते हैं, खासतौर से शिमरन हेटमायर के नहीं होने से। वो जो बिजार वजह थी कि फ्लाइट मिस हो गया, इसलिए शिमरन हेटमायर वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ही आउट हो गए, वो एक जो रीजन था वो स्टिली जो भी है, लेकिन उसके वजह से वेस्ट इंडीज की जो है थोड़ी सी बैलेंस ऑफ हुई थी। बट पिछले मैच में जो टीम खिलाई वो काफी अच्छी बैलेंस, वेल ऑयल्ड मशीन लग रही थी। जॉनसन चार्ल, काइल मेयर्स, ब्रैंडन किंग, रेमंड रायफॉ, निकलस पुरन, रॉबर्ट पॉवेल, जेसन होल्डर, ओरेन स्मिथ, अल्जार जोसेफ, यानी करिया शेल्डन कॉटरेल, ये जो है इनकी 11 है। इसमें बस एक आध कुछ इश्यूज है फिलहाल। निकलस पुरन का फॉर्म देखिए काफी खराब चल रहा है, प्लस रेमंड रायफॉ इनके ऊपर आंच है निकलस पुरन को। मेरे हिसाब से रेमंड रायफॉ को आप फिनिशर के तरह यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सिमरन हेटमायर, वो आप एक चेंज प्रोस्पेक्टिव चेंज आप कर सकते हैं। बाकी निकलस पुरन को एक एंकर या फिर आप एक इनिंग्स बिल्ड करने वाला प्लेयर बनाइए, तो वो क्या है कि पहले 15-20 बॉल में तो अच्छा करेंगे, मतलब 100-120 के स्ट्राइकेट से खेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास वो सेकंड गियर वाला गेम भी है जहां पे वो काफी तेज खेल सकते हैं। तो निकलस पुरन को एक पोजिशन मेरे ख्याल से ऊपर भेजना चाहिए, बाकी जो वेस्ट इंडीज की मैनेजमेंट चाहिए वही होगा, बट मेरे हिसाब से वो कर सकते हैं। बाकी आपकी इसमें टॉप फैंटेसी प्लेयर्स कौन से, 4-5 प्लेयर आप किसको खिला सकते हैं जो आपके फैंटेसी प्लेयर में फैंटेसी 11 में जाएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, टीम्स आपने बना ली, अपने टीम्स देख ली कैसी हो सकती है, आपको सब कुछ आइडिया लग गया है, होपफुली अपनी टीम बना भी ली होगी। स्ट्रेटेजी आपने जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि आप किस कॉन्टेस्ट में खेल रहे हैं, स्मॉल लीग में, हेड टू हेड में, ग्रैंड लीग में, क्योंकि ग्रैंड लीग में विनिंग परसेंटेज आपका रहता है 0.01%, स्मॉल लीग हेड टू हेड में आपका विनिंग परसेंटेज 50-70%। वो आप एक अलग से सेग्रीगेट कर सकते हैं अपने अपने थॉट प्रोसेस को, और वहां पे आपको विनिंग्स अच्छी मिल जाएगी, और ग्रैंड लीग में आपकी विनिंग्स जो है तो मतलब एक तरह से कह लें कि लक फैक्टर बहुत ज्यादा वहां पे डिपेंडेंट है, तो वहां पे आप उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, इधर ज्यादा कर दीजिए। मतलब अगर आप पहले 5-5 टीमें लगा रहे थे तो 5-5 की जगह यहाँ पे 7 टीमें, यहाँ पे 3 टीमें, ऐसे कर दीजिए, तो आपको बेनिफिट ज्यादा होंगे, आपके नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको ज्यादा ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, ये हमारा मानना है। बाकी आपको जो कॉन्टेस्ट सुटेबल लगता है आप खेल सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से आप ज्यादा रिस्क मत लीजिए, आप इस फैंटेसी गेमिंग को जो है गेमिंग की तरह खेलिए, लत मत लगाइए, किसी चीज का लत खराब होता है, इसलिए आप लत मत लगाइए, गेमिंग की तरह खेलिए और एंजॉय कीजिए। बाकी हम दुआ करते हैं कि आप इस मैच के लिए टीम बनाएंगे तो आपकी विनिंग्स बहुत अच्छी हो। भाई साहब सारी बातें कर ली, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि आपकी टीम आखिर दिख कैसे सकती है। तो टीम आपकी स्मॉल लीग हेड टू हेड की पहले देख लेते हैं, हेड टू हेड स्मॉल लीग की आपकी टीम, विकेट कीपर से मैथ्यू वेड, जेम्स जॉनसन चार्ल्स, बैटर से ब्रैंडन किंग, डेविड वॉर्नर, एरन फिंच, ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, ये आपके ऑलराउंडर्स हो गए, बॉलर्स में जॉस हेजलवुड, मिशेल स्टार्क, अल्जारी जोसेफ, ये आपकी 11 दिख सकती है स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए। आप इसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनशिप कौन सा, मैथ्यू वेड, ब्रैंडन किंग, कैमरन ग्रीन, काइल मेयर्स, ये चार को हमने कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन रखा। क्यों रखा है? कैमरन ग्रीन ओपनिंग में बैटिंग करने आएंगे, प्लस पूरा का पूरा ओवर्स का कोटा भी डाल सकते हैं, मतलब 4 ओवर्स डालेंगे प्लस ओपनिंग करने आएंगे, तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। काइल मेयर्स ऑलमोस्ट सेम ही चीज है उनके पास भी, वो भी बैटिंग करने के लिए ओपनिंग पोजिशन पे आता है नॉर्मली, और फिर उसका 4 ओवर भी डालते हैं मोस्टली, तो वो भी आपको सेम टू सेम
वो दोनों डुअल डायमेंशन दे रहे हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैथ्यू वेड अभी फिलहाल खतरनाक फॉर्म में, भाई साहब अपने लाइफ के बेस्ट पैच पे हैं, उनको आप अपनी टीम में ट्राई करते हैं। ब्रायन किंग वेस्ट इंडीज के अभी के हिसाब से बेस्ट बैटर्स में जो एक आते हैं लिस्ट में, वो ब्रायन किंग आते हैं, तो उनको आप बिल्कुल आप अपने टीम में देख सकते हैं इस स्क्वाड के लिए। बाकी ये तो आपकी 11 हो गई। अब इसमें बॉलर्स में आप देखिए जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, अल्जाई जोसेफ, ये तीनों बॉलर्स अच्छा करने के लिए, खासतौर से इस पिच पे जहां पे बाउंस और पेस अच्छा, मतलब बाउंस अच्छा मिलेगा पिच पे, तो ये तीनों बॉलर्स अच्छा करने के चांसेस है। जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, अल्जाई जोसेफ, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अगर इस ये टीम पसंद आई है और वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब बात करते हैं आवर फैंटेसी 11 ग्रैंड लीग के विकेट कीपर से मैथ्यू वेड, बैटर से ब्रायन किंग, डेविड वॉर्नर, एलन विच, रॉबिन पावल। यहां से आपको जॉनसन चार्ल्स हटा के रॉबिन पावल आ गए यहाँ पे, क्योंकि अगर पहले एक आध ओवर से विकेट गिर गए तो उसके बाद कोई होना चाहिए संभालने के, तो रॉबिन पावल वो एक प्रोस्पेक्ट बन सकते संभालने वाले। बाकी ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन, काइल मैच और जेसन होल्डर तो है ही आपके, और बॉलर्स में जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, ओडन स्मिथ। अब यहाँ पे थोड़े रिस्कियर ऑप्शंस आ गए हैं, क्योंकि ग्रैंड लीग में अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड लेके चांसेस रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स, एरन पेज हो गए आपके, जॉस हेजलवुड, ओडन स्मिथ और जेसन होल्डर, ये आपके चार ऑप्शन हो गए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स के। अब ये क्यों है, और जेसन होल्डर तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया ड्यूअल डायमेंशन उनके पास। ओडन स्मिथ हालांकि बॉलर्स के लाइनअप में आता है, लेकिन वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, प्लस बॉलिंग जो है आपको इस पिच पे खासतौर से बहुत सुटेबल हो सकती है, जहां पे उनका ट्रू बाउंस मिलने वाला उनको इस पिच पे। और जॉस हेजलवुड तो है ही भाई, अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और प्लस इस पिच पे उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड भी है। एरन फिंच जो है आपको पिछले मैच में दिखाया कि वो आप एंकर के रोल में ज्यादा दिखाई देने वाले हैं, मतलब संभाल के खेलने वाले, तो उनके फैंटेसी पॉइंट्स की वजह से काफी पॉइंट्स मिलने के चांसेस हैं आपको, आप उस कंडीशन में इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपकी 11 हो गई ग्रैंड लीग की, और इसमें आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी समझ में आ गए होंगे। होपफुली अभी आप इस मैच के लिए टीम बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी रैंकिंग्स हो, बहुत अच्छी विनिंग्स हो, उसके लिए ऑलरेडी ऑल द बेस्ट। चलिए ये तो वीडियो का समापन हो गया, अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रमोशन की तरफ, थोड़ा सा प्रमोशन तो करना बनता है। www.fantasygilly.com हमारा वेबसाइट, प्लीज चेकआउट करना मत भूलिएगा। साथ में ऐप है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपकी फैंटेसी गेमिंग के नजरिए से लाइफ आसान हो जाएगी, प्लीज डू चेक देम आउट। बाकी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, खासतौर से टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डेली अपडेट्स मिल जाए करेंगे, आपको बहुत सहूलियत होगी। अब फिलहाल अगर वीडियो पूरा देख लिया आपने, अभी तक जुड़े हुए हैं, तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, शेयर कमेंट आप करेंगे तब नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जब भी नया वीडियो डालें हम सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मैं रौनक कुमार के लिए अलविदा कहता हूँ, नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर, बाय।